वी वर इन दिस विल शो यू हाउ टू क्रिएट डेरी असाइनमेंट शीट इन माइक्रोसॉफ्ट लाइक दिस वन तो आइए स्टार्ट देते हैं किस तरह हम इसको क्रिएट करेंगे क्रिएट अव ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट देन गो टू इन्जर्व टेप शेप आप ड्रा करें दिस वेल बी अरेक्टेंगल शेप टॉप कॉर्नर वेल बी राउंडेड यहाँ पर आप क्लिक करें फिर इसके बाद इसको आप रीसाइज करें अगेन इसको आप रीसेज करें इसके अलावा इसके कॉर्नर और भी आप राउंड कर सकते हैं फ्राम द शेफ इफेक्ट प्रीसेट सेट इफ़ेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा राइट क्लिक करें इस पर और इसमें आप टैक्स एड कर सकते हैं यहाँ पर मैं टेक्स एड करना चाहता हूँ डेली असाइनमेंट फार क्लास यहाँ पर क्लास भी आप मैंशन कर सकते हैं जिस क्लास के लिए आप बनाना चाहते हैं इसका फोन साइज आप इनक्रीज़ करें और इसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं दिस विल बी एरियल ब्लैक और फिर इसके बाद हम मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पर डेट और फिर इसके बाद डे और इसके बाद हम यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे गो टू इन्जॉर टेप और यहाँ से लाइन आप सेलेक्ट करें बाय होल्डिंग शिफ्ट की स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर सकते हैं कलर इसका चेंज करें इसके अलावा इसका वेट आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द शेप आउट लाइन नाव गो टू इन्जॉर टेप यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करना चाहता हूँ दिस विल बी अराउंडेड रेक्टेंगल शेप इसका शेप फिल सेलेक्ट करें नो फिल शेप आउटलाइन विल बी ब्लू कलर और इसका वेट आप चेंज करें फिर इसके बाद इसके साथ मैं लाइन एडजस्ट करना चाहता हूं तो इस लाइन को मैंने कॉपी किया बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इस रेक्टेंगल शेप में मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं राइट क्लिक करें ए टेक्स्ट यहाँ पर मैं सब्जेक्ट मेंशन करना चाहता हूँ सबसे पहले इसका टेक्स्ट कलर चेंज करें और फिर इसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सब्जेक्ट इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ इसके अलावा इसका स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें सेलेक्ट करें बोल्ड और फिर रेक्टेंगल शेप और लाइन को आप सेलेक्ट करें गो टू फॉर्मेट यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद इसकी कॉपीज़ आप ले लें वन बाय वन बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इसमें सब्जेक्ट आप चेंज करें इसको आप रीनेम करें ग्रिड लाइन को आप इनेबल करें ताकि ये रेक्टेंगल शेप ये अलाइन हो प्रॉपरली फिर इसके बाद इसको आप डिसेबल करें फिर इसके बाद मेन्शन करें नोट फॉर पेरेंट्स और इसके सामने लाइन आप ड्रा करें तो ये लाइन मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया अगेन इसको आप कॉपी पेस्ट करें इसको आप रीसाइज कर सकते हैं एनजर्ट टेप से टेक्स्ट बॉक्स ऑफ ड्रा करें और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं टीचर साइन एंड पेरेंट साइन टू द राइट साइड ऑफ द पेज इस टेक्स्ट बॉक्स को आप रिसाइज करें फ्रॉम द फॉर्मेट टेप शेप फेल सेलेक्ट करें नो फेल शेप आउटलाइन लाइन वेल बी नो आउटलाइन अगेन इसको आप कॉपी करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज और यहाँ पर आप इसको रीनेम करें फॉर द पेरेंट साइन अब इसके सामने लाइन में ड्रा करना चाहता हूँ तो इस लाइन को मैंने कॉपी किया बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इसको मैंने रीसाइज़ किया अगेन इसको मैं, तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसको ड्रैग करें टू द राइट साइड ऑफ द पेज और फिर इसके बाद इसको आप रीसाइज करें अब इसके बाद मैं बॉर्डर ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूँगा जिस पर भी अराउंड रेक्टेंगल शेप इसको मैं रिसाइज करना चाहता हूँ और फिर इसके बाद शेप फिल से शेप फिल नो फिल शेप आउटलाइन विल बी ब्लू कलर और इस पर प्री सेट अपेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं तो भी इसी तरीके से आप डेली असाइनमेंट शीट क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसाफल टू थाउजेंड नाइनटीन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो